नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई सामान्य अध्ययन में। आज से आपके सी सेट की भी तैयारी शुरू कराई जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से, जिसमें आज हमने मैथ लिया है पहला सब्जेक्ट आपका, और मैथ में पहला टॉपिक लिया है स्क्वायर। देखिए, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कैलकुलेशन टेक्निक है जो सभी को आनी चाहिए। देखिए, स्क्वायर तो सभी निकाल लेते हैं। अब जिसको 46 का स्क्वायर निकालना हो, जिसने ये वीडियो नहीं देखी होगी, आप खुद ही जान जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। जिसको 46 का स्क्वायर निकालना हो क्या करेगा, पहले लेगा 46 इंटू 46, ऐसे निकालेगा। तो हमें इसमें तो बहुत समय लगेगा, 10 से 12 सेकंड लगेगा, ये थोड़ी ना हमें करना है। हमें वहाँ पर इसी 46 के स्क्वायर को ही समझ लीजिए कितने सेकंड में, 7 सेकंड में, 7 सेकंड से भी कम में निकालना है। और मैं दावा करता हूँ आप 7 सेकंड से भी कम में इसे निकाल लेंगे, और 100% एक्यूरेसी के साथ। सिर्फ आप जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान में रखेंगे और अप्लाई करेंगे, आराम से निकलेगा, कोई टेंशन नहीं। चलिए, हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं, 47 का स्क्वायर निकालना। देखिए, पहले हम देखेंगे 25 से 50 तक के स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है 47, 47 का स्क्वायर निकालना है हमें, 7 सेकंड से कम भी लगने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे, अपना सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप अपना टाइम लिखेंगे, ठीक है, जिस ट्रिक से आपने सॉल्व किया, जिससे पहले आप सीखे हैं, वो अपना टाइम लिखेंगे। फिर जो हम बताने जा रहे हैं उस टाइम को लिखेंगे, और आप अंतर देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको इस वीडियो से कितना बेनिफिट मिला है, कितनी बेनिफिशियल रहेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। देखिए, ये कोई सी सेट तक ही ये वीडियो सीमित नहीं है, जो भी जिस भी वन डे एग्ज़ाम में मैथ्स आती है, सभी लोगों के लिए बहुत आवश्यक वीडियो है, बहुत ही ज़रूरी। तो देखिए, हमें 47 का स्क्वायर निकालना है। बेस, पहला स्टेप हमें क्या करना है, बेस हमें 50 ही लेना है। 25 से 75 तक के स्क्वायर्स के लिए बेस हमेशा हमें 50 ही लेना है। चलिए, बेस हमने 50 ले लिया। उसके बाद देखना है हमें 47 50 से कितना कम है, कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है। तो उसके बाद हमने क्या किया, जब 3 कम हमें पता चल गया, तो फिर 25 में से 3 को माइनस किया तो कितना आया, 22। अभी 22 को उठा करके सीधा यहाँ पर एज इट इज़ लिख देना है 22, और ये 3 का स्क्वायर जो है यहाँ पर लिख देना है 0। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ पर 0 हम ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो क्या होता है, 9 होता है ना। लेकिन नहीं, यहाँ पर हमारे पास 100 और 1000 प्लेस पे अभी तो हैं 2 डिजिट, तो हम यहाँ पर उसके लिए 10th डिजिट पे 0 लगा देंगे। अगर 0 नहीं लगाएंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला सवाल हमारा। चलिए दूसरा देखते हैं, 43 का स्क्वायर। 43 कितना कम है 50 में से, 7 कम है, चलिए 7 हो गया। 25 में 7 को माइनस किया कितना आया, 18 आया, 18 को उठा करके यहाँ लिख दिया, और 7 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया 49। बस कुछ करना है, देखिए हम ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, ये तो मैंने आपको लिख के इसलिए दिखाया स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको सीखने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसा करेंगे, आप इसे भी लिख करके अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। जैसे दूसरा नंबर ले लेंगे आप, 48 ले लेंगे, 48 का स्क्वायर निकाल के देख लेंगे, पहले मेरी वीडियो इनको देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद, फिर उसके बाद। अब देखिए 36 का स्क्वायर, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196, तो इसलिए थोड़ा सा माइक्रो सेकेंड की थोड़ी सी उससे ज़्यादा समय लगेगा आपको इसमें, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर देखें, 50 में से 36 माइनस किया तो कितना आया, 14, या फिर 36 कितना कम है 50 में से, 14 कम है, तो 25 में से 14 माइनस कर दिया कितना है, 11। अब देखिए 11 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196, प्लेस वैल्यू बताया था ना अभी आपको मैंने ऊपर,
प्लेस वैल्यू। अब 11 में कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट। तो ये कौन सी होती है? वंस, ये होती है टेंस। वंस प्लेस, टेंस प्लेस। तो 11 को हम उठा करके यहाँ लिखेंगे, पहले 14 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, 196। अब वंस के नीचे वंस, और उसके बाद आप जानते ही हैं कैसे ऐड करना है, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 38 का स्क्वायर देखते हैं, 50 में से 38 को माइनस किया कितना है? 12। या 38 कितना कम है 50 में से? 12 कम है। 25 में से कितना कम है? 13। 13 को यहाँ रख दिया, 12 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 50 से ज़्यादा वाले स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मैंने क्या बताया आपको, 25 से 75 तक में स्क्वायर निकालना है, तो बेस हमें कितना लेना है? 50, 50 लेना है। ठीक है, तो 53 का स्क्वायर निकालना है। इसमें हम देखिए 50 से कम वाले में हम क्या करते थे, जैसे 47 का निकालना था ना, तो हम क्या देखते थे, 50 से कितना कम है ये। अब हमें इसमें क्या देखना है कि 50 से कितना ज़्यादा है ये। 53 का निकालना है, तो 50 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है ना, तो 3 ज़्यादा है, तो 50 में 3 ऐड करेंगे तो 53 आएगा। तो वैसे ही 25 में 3 ऐड करेंगे तो 28 आएगा। अब देखिए इसमें क्या करते थे, 25 में 23 माइनस कर देते, लेकिन हम इसमें माइनस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि 50 से बड़े नंबर हैं। ठीक है ना, 28 आया, 28 को एज इट इज़ यहाँ रख दिया, 3 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया। देखिए यहाँ भी 09 लिखा है, ध्यान रखिएगा 09 लिखेंगे, है ना। 57 का स्क्वायर देखिए, 50 में कितना ऐड किया? 7 ऐड किया तो कितना आया? 57 आया। ठीक है, 25 में 7 ऐड कर दिया, कितना आया? 32 आया। 32 को उठा करके एज इट इज़ यहाँ लिख दिया, 7 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया, 49। देखा कितना समय लगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखिए जो मैं 7 सेकंड बता रहा हूँ आपको, ये एक एवरेज स्टूडेंट का बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप वहाँ एवरेज स्टूडेंट बन करके नहीं जाएंगे, आप एक टॉप लेवल के स्टूडेंट बन करके वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर देखिए जिन सिलेक्शन उनका ही होता है, जो सबसे अलग होते हैं और सबसे अलग चीज़ों को सीखते हैं, तो आपको सबसे अलग चीज़ें सीखनी है। ठीक है ना, अब जैसे 66 का स्क्वायर, आप 66 इंटू 66 करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे आप लिखेंगे, अरे 12 से 15 सेकंड निकल जाएंगे इसमें। इसमें तो जो जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो आपसे करीब करीब 2 गुना आगे निकल जाएगा, तो आप तो उसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। आप सिलेक्शन से बहुत पीछे, यही इन्हीं कारणों से आप सिलेक्शन से बहुत पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो पीछे नहीं होना है भाई, आगे ही जाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 66 का स्क्वायर निकालना है। 66 कैसे आया? 16 ऐड कर दिया, 25 में 16 ऐड कर दिया, 14 आ गया। 14 को यहाँ लिख दिया, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है। अब फिर वही 14, 41, 256, फिर से बता देता हूँ, 40, 41, 256 ऐड कर दिए, कितना आएगा, कितना आएगा बताएं? आएगा 4, 3, 5, 6। ठीक है, ये हो गया आपका, ये 73 का स्क्वायर निकालना। देखिए थोड़ी सी यहाँ पे गलती हो गई हमसे, ये 73 होगा, ठीक है, 77 मत इसको मान के चलिएगा, 73 होगा। 50 में 23 ऐड करेंगे तो 73 आएगा। ठीक है, आया। 25 में 23 को ऐड कर दिया, कितना आया? 48 आ गया। 48 को यहाँ लिख दिया, 23 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया, ऐड कर दिया। फिर से देखिए 48 अपॉन, मतलब वन, मतलब नीचे लिखना उसके, 529 कितना आया? 9 यहाँ लिखेंगे, 28 यहाँ लिखेंगे, 8, 5, 13, 4, 1, 5, 3, 2, 9। देखिए मैं आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि मैं आपको स्लो पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो भी आप पढ़ो वो सॉलिड पढ़ो, एक बार में आपको आ जाए। हालांकि मैं ये चाहता हूँ आप इसको 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, लेकिन फिर भी एक बार में आपको कम से कम 80% समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ। ऐसे मैं स्लो पढ़ाऊँगा नहीं, आप इसकी चिंता ना करें। देखिए
जैसे मैं एक स्क्वायर आपको निकाल के दिखा देता हूँ। कौन सा स्क्वायर ले लेते हैं? चलिए ले लेते हैं आप, हमने 46 का पहले एग्जांपल लिया था ना, 46 ही ले लेते हैं। 46 का स्क्वायर निकालना है, 46 बेस कितना 50, 46 माइनस करेंगे कितना ज़्यादा है 4 है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 25 ले लेंगे, 25 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना 21। तो 21 को उठा के यहाँ लिख देंगे और 4 का स्क्वायर 16, 2116। बताइए कितने कम समय में आंसर आपका आ गया है ना। चलिए ये तो हो गई 50 25 से 75 तक के स्क्वायर्स की बात। अब मैं आपको दिखाता हूँ जिनमें वंस प्लेस में 5 होगा। अब देखिए वंस प्लेस में 5 होगा, आप इनको 5 से 7 सेकंड भी नहीं लेंगे। मैं दावा करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, या आप बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 3 से 4 सेकंड लेंगे। 3 से 4 सेकंड समझ लीजिए, अगर आप 4 से ज़्यादा सेकंड ले लिए, 4 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले लिया आपने, तो आप ये समझ जाइए कि आपको अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें, ठीक है ना। तो कुछ नंबर्स ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 55 ले लिया, 55 ले लिया है ना, 6 एक मिनट, 55 हो गया, 65 हो गया है ना, 75 हो गया। सभी का स्क्वायर निकालना है कितने सेकंड में, 3 सेकंड से भी कम, ठीक है 3 सेकंड से भी कम। और आप निकालेंगे, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल निकालेंगे आप इसको। देखिए क्या करना है, 55 65 75 का स्क्वायर, सबके यूनिट वंस प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे 5 है ना, 5 5 5, 5 का स्क्वायर कितना 25। अब 5 यहाँ पे जो बचा है यहाँ पे टेंस प्लेस पे, इसे हमें क्या करना है, इसके अगले डिजिट से, अगले डिजिट मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे, 5 × 6 इज इक्वल टू 30, कितना 3025। और कितना टाइम लगा आपको, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड से भी कम लगा होगा, गारंटी लेता हूँ 3 सेकेंड से भी कम लगा होगा। अब जैसे 65 का स्क्वायर देखिए यहाँ पे कितना लिखना है, 25 6, और अगली डिजिट कौन सी होती है 7 ना, 42, 4225 बस ख़त्म। 75 का देखिए, 5 का स्क्वायर 25, अगली डिजिट 8, 7 × 8 56। कितना समय लगा, मैं इस समय के ऊपर इसलिए ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि आप कर सकते हैं इनको, बहुत ही कम समय पे कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हो गई 100 से कम नंबर, ठीक है। अब मैं 100 से ज़्यादा एक बड़ा नंबर आपको करके दिखाता हूँ, जिससे आपको लगे कि आप, कुछ लोग आप में से ये भी सोचेंगे कि ये तो 100 से कम में ही लगेगी, 100 से ज़्यादा में नहीं लगेगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैं बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट ही होगा और वो सब में अप्लीकेबल होगा, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बहुत ही कम क्वेश्चंस की ट्रिक होती है और उसे मैं फॉलो नहीं करता, ठीक है। चलिए वो तो बात की बात है, ये 115 का स्क्वायर निकालना है। तो पहले तो आप ऐसे ही सॉल्व करते रहे होंगे, 115 × 115। अब इसमें तो लग जाएगा 20 से 30 सेकेंड, कितना लगे 20 से 30 सेकेंड, लेकिन नहीं, 20 से 30 सेकेंड नहीं लगना है, 20 से 30 सेकेंड नहीं लगना है, कितना लगना है 3 2 4, 3 2 4 सेकेंड, 3 2 4 सेकेंड, 3 से 4 सेकेंड। देखिए कैसे, 115 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 5 का स्क्वायर तो यहाँ लिख दिए 25, और 11 की अगली डिजिट कौन सी होती है, 12 होती है, तो 11 × 12 क्या आएगा। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग रुकेंगे, मुझे पता आप लोग रुकेंगे, क्योंकि 11 × 12 क्या नहीं हो सकता है 2 सेकंड में, ये भी 2 सेकंड में हो सकता है। चलिए बताते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं, हम भी जानते हैं कैसे करते हैं। 2 को उठा करके ऐसे ही लिख दिया और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, कितना है 3, और इसको उठा के ऐसे ही लिख दिया
132, और ये पूरा यहाँ पर आ गया 132। आ गया आंसर। देखिए आप इस ये क्वेश्चन अच्छा हुआ मेरे दिमाग में याद आ गया, जिससे मैंने आपको 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक भी बता दी और ये 115 का स्क्वायर भी निकाल दिया, बड़े 100 से ज़्यादा नंबर का स्क्वायर भी निकाल दिया। देखिए ये सारी चीज़ें कुछ अलग से, इनका कोई सेशन लेने का मतलब नहीं बनता कि 11 से मल्टीप्लाई करके दिखाएं या ये इससे मल्टीप्लाई करके दिखाएं या उस नंबर से, ये ऐसे बीच बीच में कैलकुलेशन में आती रहेंगी। आपको बताया जाएगा, आपको सब कुछ बताया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप सिर्फ एक काम करिए, आप प्रॉमिस करिए कि आप ये चीज़ करेंगे, प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस। आप कैसे करेंगे, पहले आप 50 क्वेश्चंस को लेंगे, मतलब 50 नंबर्स को लेंगे, जो 50 से कम नंबर होंगे उनको क्या करेंगे आप, सॉल्व करेंगे, लिख के सॉल्व करेंगे। पहले ब्रेन में मत सॉल्व करिएगा, लिख के सॉल्व करिएगा। उसके बाद उन्हीं 50 क्वेश्चंस को ब्रेन में सॉल्व करिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे टाइम डिफरेंस निकलेगा, कैसा निकलेगा आपको पता चलेगा। और उसके बाद ऐसे ही 50 से बड़े नंबर ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके स्क्वायर 25 से 75 तक के, और लास्ट में 5 डिजिट वाले भी स्क्वायर आपको बता दिए गए। और ये वीडियो कैसी लगी आपको, आप बताएंगे इसमें कमेंट करके लास्ट में। और हाँ, टाइम मैंने आपको बताया ना कि आप टाइम ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको टाइम कम लगा या ज़्यादा लगा, और ये ट्रिक कैसी लगी स्क्वायर्स की ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी इतने हो गए हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स हो गए हैं, और इनको सब सॉल्व करके आप बताइएगा मुझे कैसा लगा। तो अगला चैप्टर भी कौन सा पढ़ना है आपको, आप ये भी बताइएगा मुझे। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और बताइएगा कि कुछ यूनिक सिखाया जा रहा है स्काई सामान्या धन चैनल पर। और उसके बाद फिर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ के बारे में भी आपको पता चले। चलिए फिर चलते हैं, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।